I said, check out. So. You get it? I so, take off a little bit of a moment. Cos C minus cos D क्या होगा? Cos existing by D minus C. Cos C minus C by D. 2 sin D minus C by 2. Sin C plus D by 2. तब क्या आएगा हमारे? इसमें लगा तो 2 sin D minus C by 2 यानी के थीटा फॉर्मूला ऐसे ये आएगा साइन सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी तो माइनस डी माइनस सी को माइनस नॉर्मल लेके तो माइनस आ जाएगा 0.2 भी बोलते हैं दिखाया था वो भी दिखाया था बताया था वहाँ तुम्हें कॉपी नहीं है ना बस इसकी क्या करो टू साइन डी माइनस सी बाई टू इंटू साइन आगे से ठीक है और आगे क्या रहेगा टू साइन साइन सी प्लस डी बाई साइन सी प्लस साइन डी टू साइन ए प्लस टू टेन फाइव थीटा कॉस थीटा कॉस ए थीटा माइनस टू थीटा सिक्स थीटा डिवाइडेड बाई टू यही आ जाएगा नीचे भी और कैंसिल हो गया सफल आ जाएगा हो गई थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ना ओके cos square 73 plus cos square 47 plus cos square 7 cos 73 degree or cos this सही बोल रहा है बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा अच्छा एक बात देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कुछ नहीं बता दूंगा नहीं पता देखता देखा भी नहीं हमने लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुमको पता है क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी उसमें साइन स्क्वायर थीटा आता है तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है तो आगे बदल देते हैं तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर
साइन स्क्वायर 47 प्लस अच्छा ये क्या होता है ना अभी ये 2 cos a cos b व्हाट इज दैट 2 cos a cos b cos of a minus cos b cos of a plus b cos प्लस प्लस cos of a minus b ठीक है हां होंगे ऐसे ही होंगे याद करोगे तभी होंगे है ना तो 2 cos a cos b इज cos of a plus b और प्लस cos of a minus b समझ में आ गया जी अच्छा ये और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b cos of a plus b into cos of a minus b तो cos of 73 plus 47 into cos of 73 minus 47 plus ये कितना हो गया 73 plus 47 120 cos of 26 और plus ये कितना हो गया cos of 26 जी और बढ़िया अच्छा ये कितना आया और ये तो हुई 26 पूरा वाला भी आ गया ना और ये कितना आ गया ये कितना आ गया 120 into cos 26 plus 2 cos of 120 क्या है 120 180 minus 60 minus cos 60 यानी कि minus क्या होता है minus 2 minus 2 आपको बोला था याद रखो minus half cos of 120 degree is equal to cos of 90 plus 30 90 plus 30 कर लें नहीं वैसे कर दो 180 minus 60 कर दो 180 minus 60 60 वो आपके जीरो हो गया तो माइनस था तो माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos 60 माइनस ठीक है सर वो 1 भी कर ठीक है कौन सा 1 माइनस साइन ये रहा ये 1 तो ये रहा इसमें का काम इधर सही तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ अच्छा इसको ओपन ही कर देता हूँ प्लस हाफ ऑफ कॉस 26 डिग्री अच्छा ये क्या होगा ये भी माइनस हाफ माइनस हाफ तो ये और ये कटेगा कटेगा देखो ये कॉस 120 क्या होगा माइनस हाफ ये माइनस का हाफ हो गया इधर प्लस का हाफ हो गया कैसे होने वाला है तो क्या आ जाएगा आंसर 3/4 आ रहा है ऑफ कोर्स 3/4 आ रहा है 1 माइनस 1 बाय 4 इज 3/4 दैट्स फाइनली ये चीज ये फिर से 1 बाय 2 हो जाएगा माइनस का तो ये माइनस ऑफ ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3/4 ठीक है जरा बताना फटाफट साइन 75 इंटू साइन 50 डिग्री की वैल्यू साइन ए साइन बी cos a plus b cos of a minus b cos a plus b cos a और फिर cos
हाँ साइन माइनस तो हाफ ऑफ हो गया 60 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 90 मुझे कॉस 90 की वैल्यू नहीं पता जरा बता दो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है कॉस 90 हाँ जीरो हाँ और कॉस 60 की वैल्यू हाँ 1/2 और ये जीरो खत्म हो गया आंसर है ना प्लस रूट 3
एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं और चार भी सही हो सकते हैं। उसमें भी कंडीशन, मतलब उससे पहले साथ, ये भी पिछले साल से चालू हुआ पार्शियल मार्किंग, उससे पहले साल का क्या था, मान लीजिए आपके चार ऑप्शन सही थे, आपने दो ढूंढ लिए, ये निकल आए माइनस, ठीक है माइनस वन, मतलब आपको चार सही थे, दो आपने ढूंढ लिए मेहनत करके, फिर भी माइनस वन। ये दो साल पहले देखा, पिछले साल हमने थोड़ी सी हमदर्दी दिखाई, उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ए बी सी तीन ऑप्शन है, ठीक है आपने वन ए ढूंढ लिया तो सही है एक नंबर, अगर आपने ए बी भी ढूंढ लिया तो बचते दो नंबर, और आपने अगर ए बी सी तीनों ढूंढ लिया तो चार, लेकिन अगर ए के साथ डी ढूंढ दिया तो माइनस, मतलब गलत नहीं ढूंढना है, गलत नहीं ढूंढना आपने, इसका मतलब आपको आता ही नहीं ना, और अगर चार ऑप्शन डिस्कस होंगे तो गलत है ही है, तो पहले से ही गलत है, ठीक है। तो ये है बात, और 8 pi by 13 और 5 pi by 13
फिर से 13 पर मैं 13 ले लेंगे पाई, और उसी दिन बताया था जहां से मिला पाई कैंसिल हो गया भाई, है ना? तो क्या आंसर आने वाला है? 0। भाई कंपटीशन तो कुछ इतना नहीं होता। और यहाँ पे आप सीधे दिखाओ अगर पाई माइनस दिस करके है ना, इसको आप क्या दिखा सकते हो? पाई माइनस दिस, और इसको क्या दिखा सकते हो? पाई माइनस दिस। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। वैसे भी कंफ्यूज हो गया, वैसे थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है ना। हाँ हाँ, इसी को बदल देते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस 3π/13 लिख सकता है उसको, है ना? और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस। अच्छा, ये रहा माइनस वाला और ये रहा इसका प्लस वाला, कैंसिल एग्जैक्टली ये और ये। अभी लोड हो गया ना, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या रहा है, तो नहीं आ रहा है।
This is sin 16 alpha. Sin 10 alpha. कितना हो गया ये? Sin 10 alpha. 2 sin 10 alpha. Cos 6. Cos 6. 6 alpha. ये आ गया. ठीक है. अब कुछ ये तो कर गए. अच्छा है. Cos 13 alpha. अच्छा. Cos of 13. और pi by 19. तो क्या हो गया आपका इसका? कितना? कितना करें? बस कितना करें? ओके और ये क्या हुआ कॉस सिक्स सिक्स फाइव बाई नाइन जी है ना कुछ देखा क्या देखा वन एटी ठीक है ना माइनस फाइव ये ही है तो मैं कहता हूँ इसमें वन था तो इसमें क्या दे सकता हूँ पाई माइनस सिक्स पाई ओवर नाइनटी cos of 6 pi over 19 cos pi minus theta minus, minus cos theta minus cos 6 pi by 19 divided by cos of 6 pi over 19 minus ka wala tab acha theek hai ho gaya na हाँ गिफ्ट लगे हो गए ओम फाइव से हम उसको प्रूव करना सीखते हैं
कोई नहीं करने वाला आपसे, ये यू दोगे नहीं है प्लस साइन टू थीटा से कट टू टैन थीटा टू टैन थीटा अपॉन प्लस प्लस टैन स्क्वायर नहीं पर ये तो टैन वही टैन टू थीटा नहीं हो गया नहीं नहीं माइनस टैन टू टैन थीटा और टैन अपॉन माइनस आता है वहां नीचे आता है टैन टू थीटा में हां डिफरेंस है यहां पे वहां पे 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है तो अगर पीछे के याद करेगी ना तो आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं फॉर्मूले रोज नहीं मिलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हां ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही फॉर्मूले उसके बिना तो काम हो रहा ही नहीं वो क्वेश्चन करोगे तो फिर भूलोगे नहीं देखो उसको करने का तरीका वही है कि आप क्वेश्चन करो आप सोच रहे हो फॉर्मूला याद करके रिप्रोड्यूस कर दूंगा नहीं कर पाओगे आप आप क्वेश्चन करो सिंपल सिंपल क्वेश्चन करो ये नहीं कोई टिपिकल क्वेश्चन करो मुश्किल से क्वेश्चन करो नहीं सिंपल क्वेश्चन करो बार बार उन फॉर्मूलों को लगाओ आपके अपने आप याद हो जाएंगे आपको ये ठीक है जी cos 2 थीटा cos 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कितने सारे हो गए कैसे देख माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब साइन स्क्वायर को कॉस में बदलना है तो क्या करेंगे वन माइनस तो फिर ये अपना आ जाएगा इसको बदलते साइन में तो ये आ जाएगा और फिर उसके बाद वही sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेगी तो वो भी आ जाएगा यहां से करो ना cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो देखो आ गया हो गया आज तो पहली बार हो गए ऑफ कोर्स आपके लिए नए हैं याद नहीं होंगे
अगली बारों से इनको याद करना ही पड़ेगा. आपके पास कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, फैक्ट है, इनको याद कीजिएगा, चॉइस नहीं है. और ये यही नहीं पता नहीं कितनी ज्यादा यूज हो रही है. ठीक है, हटा दो क्या ये 1 plus cos 2 theta upon 2 ऐसे या 1 minus cos 2 theta upon sin 2 theta. ठीक है, साइन टू इनटू फाइव एक्स ये क्या डेनिस की तरह है. बिल्कुल बिल्कुल
साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा क्योंकि साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह फाइव एक्स कॉस सिक्स एक्स क्या लिख सकता हूँ? Just for quick reason. Hindi? और ये हो जाएगा 2 cos square theta by 2
भी आ रहा है और क्या आ रहा है divided by 2 cos theta by 2 cos theta by 2 plus sin theta by 2 and theta by 2 दो चार मिनट का ब्रेक लेते हैं। प्लीज दो चार क्यों आज केमिस्ट्री